मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक वर्ष पूर्ण होने पर सीधी सांसद रीति पाठक ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 धारा हटाने और राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा, कोरोना के संकट में मोदी सरकार ने श्रमिकों को उनके घर तक पहुँचाने का कार्य किया है। सीधी सांसद रीति पाठक ने कहा, मोदी सरकार ने एक वर्ष में बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वह राम मंदिर निर्माण का हो या फिर जम्मू कश्मीर से 35A हटाने का मामला हो। कोरोना के संकट काल में मोदी सरकार ने लॉकडाउन में श्रमिकों के खाते में पैसे डलवाने के साथ ही उनके घर पहुंचने की व्यवस्था की। गांव पहुंचे सभी श्रमिकों को मनरेगा के तहत तो रोजगार की व्यवस्था की जा रही है। हमारे बीच के लोग भी कहते हैं कि भाई प्रवासी मजदूरों को वहाँ से लेकर यहाँ लाया गया, कितनी तकलीफ में है। हम पहले से लॉकडाउन की स्थिति में कम से कम हमने 1.5 महीने कवर कर लिए थे। उसके बाद जब प्रवासी मजदूरों को हम ट्रांसपोर्ट करने लगे वहाँ बाहर से लेकर हम यहाँ भेजने लगे, तो लोगों ने सवाल पूछे कि क्या आपको लगता नहीं है कि ये निर्णय हमारा कहीं ना कहीं गलत था। लेकिन जब मैं सरकार की तरफ से होकर सोचती थी और उनके कार्यशैली को लेकर देखती थी, तब मुझे इस बात को समझने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ये इसलिए हुआ कि ये देखा उस समय जिस समय कोरोना का संकट स्टार्टिंग में ही शुरुआती दौर में ही स्टार्ट हुआ, जिस समय अमेरिका जैसे चीन जैसे वेस्टर्न देश जो महामारी की चपेट में आ गए और भारत का भी नंबर चल रहा था, यदि हमने उसी समय से प्रवासी मजदूरों का आवागमन नहीं कर दिया होता तो शायद हम उस तरह की व्यवस्थाएँ नहीं कर पाते जिस तरह की व्यवस्था के लिए आज हम तैयार, जिस तरह के इलाज के लिए आज हम तैयार। सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के सवाल पर सांसद रीति पाठक ने कहा कि सरकार गैमन इंडिया को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। सीधी सिंगरौली रोड के मेंटेनेंस के लिए पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है, जल्द ही दूसरे टेंडर होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से भी लगातार संपर्क में है। सरकार का प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सड़क बने। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।